हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, और जो कि है काउंसलिंग की प्रोसेस को लेकर के, किस तरह से काउंसलिंग आप करेंगे, किस तरह से आप एम्स चॉइस फिल करें, इसके बारे में आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी, और जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं और जो एम्स की काउंसलिंग भरने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सारी जो आपके डाउट्स हैं मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी कुछ डाउट्स आपके रह जाएं इसके बाद भी। तो और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिएगा, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जो है फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए, जितने भी लोग काउंसलिंग में फॉर्म भर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हियर, आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करें आप, और लॉगिन करने के बाद जो है आपको इस तरह से इंटरफेस आपको खुल जाएगा, और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, होम, चेंज पासवर्ड, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब आपके ऑप्शन आ रहे होंगे। इधर आपकी डिटेल्स आ जाएगी, तो यहाँ पर डिटेल्स जो है मैंने हाइड कर ली है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका डिटेल्स आ जाएगा। इधर एक काउंसलिंग का फॉर्म आ रहा है कि काउंसलिंग के लिए अगर आपको बढ़ना है तो आप अप्लाई करें, तो मैंने उधर बढ़ लिया है। ठीक है, चलिए सीधा हम अगले पेज पर चलते हैं, दूसरे पेज पर। हाँ, ये इस तरह से आपकी स्टेजेस खुली हुई है, और आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग थ्री स्टेजेस यहाँ पर मेंशन है बकायदा। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, सीट पोजिशन क्या है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो फर्स्ट स्टेज जो है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। स्टेज वन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट एज इंस्टीट्यूट एज पर रैंक। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट को अप्लाई करेंगे। सेकेंड पोस्ट क्या है, ऑफर ऑफ पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट, आपको ऑफर मिलेगा पोस्ट के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज थर्ड, एक्सेप्टेंस एंड रिकॉर्डिंग बाय द कैंडिडेट। आप एक्सेप्ट करेंगे और जो भी एम्स आपको मिलेगा वहाँ जा करके रिपोर्ट करेंगे। चलिए, यहाँ तक हमने देखा, आगे देखते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। स्टेज फर्स्ट के लिए माई पेज पर जाके लॉगिन करें, और एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पर आप जाए, एक या एक से अधिक आप चॉइस भर सकते हैं। वन टाइम एट वन स्टेज, एक ही बार आप चॉइस फिल कर पाएंगे। सेकंड क्या है, ऑफर इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, एम्स मिलेगा, एम्स में आप चूज करेंगे उसको, यस करेंगे, रैंक के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। स्टेज थर्ड में क्या है, एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग, अगर आपको पसंद आ गया एम्स तो आप एक्सेप्ट करें, रिपोर्ट करें, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, उसमें भी कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आने वाली है। चलिए, ये इस तरह से कुछ चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, और क्या है, तो यस, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको अलग अलग 22 इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भगवान का नाम लेकर के सबसे पहले जो है आप कुछ भी, जैसे कि आप इस तरह से अप्लाई करें। दोस्तों, पहली तो चीज़ है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम है, सुभाष कुमावत, कहाँ है, सुभाष कुमावत, हाँ सुभाष, ये दूसरा खुल गया कुछ, चलिए ये तो नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सा आदमी आ गया, subhash.kumawat.14 है। ठीक है, उसमें सिर्फ सुभाष कुमावत, वो किसी और का गलती से हो गया होगा। चलिए, मुझे भी नहीं पता कि मेरा गलत इंस्टाग्राम चल रहा है, हाँ इसमें लॉगिन नहीं होगा शायद। चलिए, ये आपके एम्स इस तरह से आ जाएंगे। आपको कौन सा एम्स भरना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा एम्स भरना चाहते हैं। प्रायोरिटी उस एम्स को भरें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसा नहीं है कि आपकी थोड़ी रैंक कम है तो आप दूसरा भर दें। अगर आपकी रैंक कम है और उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा मिलेगा तो वो तो वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन आप प्रायोरिटी में उसको भरें जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, जो आपके घर के पास है, जहां आपका ड्रीम एम से, वहीं पर आप प्रायोरिटी भरें। बाकी तो है भगवान की माया है, जो मिलना होगा मिल जाएगा, रैंक थोड़ी सी कम होगी तो। चलिए, इस तरह से आपको 22 इंस्टीट्यूट देखेंगे। मैं तो ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ, मान लेता हूँ एम्स भोपाल जाना है तो एम्स भोपाल इस तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे अपन देखें तो मैं ऐसे ही, मान लो फिर सेकंड एम्स से मुझे राजकोट जाना है तो सेकंड प्रायोरिटी वो आ जाएगी, फिर मुझे सफदरजंग जाना है तो सफदरजंग थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाएगा। मतलब ये एक जस्ट इज, यहाँ मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन इट्स जस्ट यू कैन से एक एग्जांपल है जो आपके लिए हेल्प करने वाला है, जिस इसी तरह से आप भरें। ठीक है, उसके बाद
मान लेते हैं NITRD आपको उसके लिए आप एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर जाए एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैं NITRD के लिए एप्लीकेबल, तो सिर्फ वो NITRD को भरे। और दोस्तों आप ऑप्शन सारे भरे, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपको एम्स भोपाल जाना था आप एम्स भोपाल भर दिया दूसरा नहीं भरा, ऐसा नहीं करें, सारे ऑप्शन आपको भरने हैं, क्योंकि हो सकता है रैंक की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, तो हो सकता है आपको वो एम्स नहीं मिल पाए, तो सेकेंड प्रायोरिटी आपको भरनी है, ठीक है। खलीफा नहीं बने, एक बार मैं बना था खलीफा, मैंने फॉर्म गलत डाल दिया था, जनरल से भर दिया था, तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए सारे फॉर्म आप भरें, ठीक है। NHMC। और दोस्तों एक दुख की बात यह है कि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जोधपुर नहीं है, दिस इज अ सैड न्यूज फॉर अस, ठीक है। हो सकता है इस बार नहीं आई हो, सुनने में तो आ रहा था कि आएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो नहीं आया। चलिए फिर उसके बाद न्यू दिल्ली मुझे जाना है, तो न्यू दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, उसके बाद पटना, बिहार की राजधानी पटना, और ये बस राय ऋषिकेश भर दिया मान लेते हैं, फिर विजयपुर कोई सा भी आप भर लीजिए, सब मैं भर देता हूँ, ठीक है, सब टिक मार देता हूँ। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भरे, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको रखनी है जो आपकी रखनी ही है, उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें आप करें, ठीक है। ये सारे एम्स मैंने भर दिए हैं, अब इसमें से आप इनको फर्स्ट और सेकंड रैंक पर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ तो फर्स्ट मेरा राजकोट पर प्रायोरिटी आ जाएगा, मैं सफदरजंग को नीचे करना चाहता हूँ तो NITRD ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। एक बार ध्यान से उस प्रायोरिटी लिस्ट को आप देख लें कि कौन सी प्रायोरिटी में आपने कौन सा एम्स पहले भरा है, कौन सा बाद में भरा है, ये सब चीज़ें आप चेक कर लें। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक बार और आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, वो आईडी पासवर्ड वो नहीं होगा जो आपका एम्स कि आपके एग्जाम के लिए, ये काउंसलिंग के लिए अलग से आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, आईडी तो सेम रहेगी लेकिन पासवर्ड नया आपको जनरेट करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, तो आप पासवर्ड बनाएं फिर आगे बढ़े, ठीक है। और एक OTP आएगा आपके जीमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर, वो आपको डालना रहेगा, ठीक है। जहां तक हमने देखा, फिर मैं 7 नेक्स्ट कर लेता हूं। आई डिक्लेयर अप्लाइड दिस एंड दिस, चलो पढ़ ही लेते हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं दैट आई हैव अप्लाइड फॉर इंस्टीट्यूट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉट रैंक एंड एलिजिबिलिटी इन इंस्टीट्यूट वेयर आई विश टू जॉइन एंड एलोकेटेड, ठीक है। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि नोट्स ड्रिंक के आधार पर मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट वंस आई सबमिट एंड लॉक माई अप्लाइड इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी स्टेज इन फ्यूचर, इसको बदला नहीं जा सकता है, सही बात है, नहीं बदला जा सकता है, कोई बात नहीं, मतलब बदलो। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंस्टीट्यूट एलोकेशन इज सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड अदर डॉक्यूमेंट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लीजिएगा। आई हैव रीड एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ एम्स, ये सब मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है तो पढ़ ही लिया होगा आपने, पढ़ लें अगर आप, ठीक है। और वैसे तो कुछ ऐसा नया नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट हैव एक्सरसाइज ऑप्शन एज डिस्क्राइब इन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर विद इन गिवन टाइम एंड स्लॉट एंड एनी डिले ऑन माय पार्ट विल बी लीड टू फॉरफीचर ऑफ माय राइट्स एंड इन सीट। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड ऑन ऑनलाइन, ठीक है, सारे जो कम्युनिकेशन होंगे आपको ईमेल और SMS के आधार पर किए जाएंगे, कोई आपको घर पे कुछ नहीं भेजा जाएगा, वैसे भेजा जाएगा आपको जूनियर लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। फिर मैंने नीचे एग्री पर टिक कर लिया है, अब हम करते हैं इसको प्रोसीड। प्रोसीड में अब आई अंडरस्टैंड दैट आई वंस आई सबमिटेड, मैं समझता हूँ कि मैंने एक बार कर लिया था, उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा, मत चेंज होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप भी एक बार ध्यान से पढ़ लें फिर कंटिन्यू करेंगे। वापस एक बार और आ गया है, अप्लाई इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज एट एनी स्टेज, ये वापस वही बग है, यस बटन। इफ़ यू डू नॉट विश टू सबमिट एंड लॉक, अगर आप अभी नहीं चाहते तो नो पे क्लिक करो, अगर आप चाहते हो कि भर दो फॉर्म तो आप यस पर क्लिक करें, तो मैं तो यस पे ही करूँगा, चलिए यस पे कर लेते हैं। आर यू श्योर, इस तरह से आएगा फाइनल, यस सबमिट एंड लॉक, चलिए इस तरह से आपका आ जाएगा, ये मैंने भर दिया है और ये आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और इंस्टाग्राम का मैं बोल रहा था ये किसका आ गया है पता नहीं, मैं अपना ही आपको बता देता हूँ, ये यहाँ शायद यही है, ये किसी और का आ गया है शायद, यहाँ पर है, ये दूसरे का क्यों आ रहा है, चलिए छोड़िए। सुभाष डॉट कुमावत है ये, हाँ हेयर है, हेयर इट इज सुभाष डॉट कुमावत .14, तो आप इस पर आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कोई भी आपके डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।